नमस्कार साथियों, आईटीआर कब फाइल कर सकते हैं? बहुत से लोग इसको बहुत जल्दी फाइल करना चाहते हैं ताकि उनका रिफंड जल्दी से जल्दी मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब रिफंड देना स्टार्ट करेगा तभी देगा वो, आपके पहले या बाद में फाइल करने पे डिपेंड नहीं करता। जितनी जल्दी आप आईटीआर अपना फाइल करते हो उतनी जल्दी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जैसे पिछले साल भी हमने देखा था कि मई लास्ट में देना उन्होंने स्टार्ट किया था। सेकेंड थिंग क्या है कि आपकी जो 2 महीने की पेमेंट है जनवरी और फरवरी की, वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। जनवरी और फरवरी महीने की पेमेंट और प्लस उसका जो TDS जितना भी कटा हुआ है वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। अगर अभी हम ITR फाइल करते हैं तो अपना 2 महीने का जो TDS है वो उसके अंदर शो नहीं करेगा, तब हम उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप अगर ओवरऑल देखोगे तो अभी तक जो इंडिया के अंदर में के टोटल 11 करोड़ 97 लैख 93,903 टोटल इतना अकाउंट हैं, यानी कि रजिस्टर्ड हैं, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर हैं, उसमें से अभी तक ITR फाइल कितने लोगों ने किया है? 1,19,222 इतने लोग ITR अपना फाइल कर चुके हैं। उसमें से वेरीफाइड कितनों का हुआ है? 1,09,551 का वेरीफाइड हो चुका है। और वेरीफाइड होने के बाद प्रोसेस देखो, 2,940 अभी तक सिर्फ इतनों का प्रोसेस हुआ है, और ये उनका प्रोसेस हुआ है जिनका अभी तक रिफंड जीरो है, नो क्लेम है। तो आप इनकी परसेंटेज देख सकते हो कि यूजर कितने हैं। अभी तक सिर्फ करोड़ों में यूजर हैं, लाखों में अभी तक फाइल हुए हैं, और हजारों के अंदर अभी तक प्रोसेस हुए हैं। इसलिए आप अभी तक कुछ वेट करिए, ये अप्रैल मंथ पूरा होने दो, जून महीने के अंदर में ITR फाइल करवाना, तब तक आपके जो 2 महीने की पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगी, टोटल इनकम आपकी अपडेट हो जाएगी, टोटल आपका TDS अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में आप अपना ITR फाइल करवा के अपना TDS क्लेम कर सकते हो। इसलिए आपसे यही एडवाइज है मेरी, तब तक वेट करो। पहले फाइल करने से कुछ नहीं होता, कुछ दिन वेट कर लो, उसके बाद में आपका ITR पूरे का पूरा प्रोसेस हो जाएगा और रिफंड आपको बिना किसी ऑब्जेक्शन के मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।